नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से हुआ हमला। ट्रंप को फ्लोरिडा स्थित इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में AK-47 से फायरिंग की गई। फायरिंग करने वाला एक शख्स गिरफ्तार। बता दें कि इससे पहले भी ट्रंप पर गोली चलाई गई थी। जेल से जमानत के बाद मंगलवार को अरविंद केजरीवाल देंगे सीएम पद से इस्तीफा। आज तय होगा कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम। सीएम के लिए सुनीता केजरीवाल, आतिश और गोपाल राय के नाम की चर्चा है। यूपी में भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से बहराइच में 11 साल के बच्चे पर सोते समय हमला किया गया। चंदौली में झुंड के साथ किया 7 लोगों पर अटैक। सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर चर्चा में रहने वाली लेडी अफसर ओशीन शर्मा का ट्रांसफर। ओशीन शर्मा हिमाचल के संधोल में तहसीलदार हैं। ट्रांसफर के बाद उन्हें नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। कहा जा रहा है कि उनका काम असंतोषजनक है। राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का विवादित बयान। कहा राहुल गांधी देश के नंबर वन आतंकी हैं, उन पर तो इनाम होना चाहिए, वह अलगाववादियों की तरह बात कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू की दस्तक। 2 लोगों की डेंगू से मौत, कई बीमार। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। इंदौर में रॉन्ग साइड से आ रही BMW कार ने 2 महिलाओं को रौंदा, दोनों की मौत। घटना का खौफनाक वीडियो आया सामने। हरियाणा सीएम पद के लिए दावेदारी की होड़ मची है। अनिल विज ने कहा मैं बनूंगा सीएम। कहा मैं सबसे सीनियर। बीजेपी ने दावा नकारा। शाह बता चुके हैं सैनिक मुख्यमंत्री का चेहरा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल सुकमा जिले में जादू टोना करने के संदेह में 2 दंपतियों और 1 महिला की पीट पीट कर हत्या। घटना के बाद एक ही गाँव के 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मोदी सरकार जल्द शुरू कर सकते हैं जनगणना। एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी हो रही है चर्चा। सूत्रों की माने तो कम सीटों के बावजूद भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार उस एजेंडे पर काम करना जारी रखेगी जिसका वादा 2014 में किया गया था। ये थे वाब दुनिया के फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वाब दुनिया पर।